नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संस्था से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ। पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, आज लोगों के पास जिनके पास FCRA है, 12A है और ATG है, आप लोगों के पास बहुत सारे ऑफर आते होंगे। कोई पूछता होगा आपके पास 12A है, ATG है, 35AC है, O है। यदि आपके पास है तो आपकी संस्था में इतना दान देना चाहता हूँ, उतना दान देना चाहता हूँ, करोड़ों का दान देना चाहता हूँ और फंड दिलवा दूंगा। आप अपनी संस्था में इस प्रकार की काम करवा दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार के ऑफर से आप बहुत से लोग जानते होंगे, इस प्रकार के ऑफर अक्सर आते रहते हैं। क्या आपके पास भी आते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इसी पर है। थोड़ा यह ज़रूर जानना होगा कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। यदि इस प्रकार की कोई जानकारी के बारे में कोई बताता है तो उससे पूछो कि क्या कहता है, उसने कहा, वहाँ से मिली और कितने कितने फंड की जानकारी मिलती है। पर सच्चाई में 35A, 12A, ATG की अपनी अपनी लिमिटेशन है। यदि इस प्रकार की जानकारी आती है तो दोस्तों आप ज़रूर ध्यान दें कि कहीं आपका समय पैसा तो नहीं जा रहा है, और जो आपकी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, ये सभी बात जानना बहुत ज़रूरी है। सही इंफॉर्मेशन सही जगह से आनी और जानी चाहिए, इसलिए अपने संपूर्ण विवेक से समझ लेने की ज़रूरत है किसी भी जानकारी के पीछे। ऑथराइज्ड पर्सन है, ऑथोरिटी लेटर है या रिलेवेंट पेपर हो जिससे ये जान सकें कि इस प्रकार का फंड कहाँ से आ रहे हैं। माना कि किसी के पास फंड आता है और उसमें शेयरिंग कहाँ से आ जाएगी, क्योंकि आपको उस 100 रुपए का काम का लेखा जोखा भी सरकार को देना पड़ता है। यदि दोस्तों किसी भी NGO में कहीं से भी कोई अमाउंट आ जाता है तो उसके 1-1 रुपए का जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। यदि किसी प्रकार का फंड आपके पास आ जाता है तो आपको काम के लिए ही आता है, जिससे समाज सेवा की जा सके। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।